नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से आ रही है। मुख्यमंत्री ने रखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन पर हुई समीक्षा बैठक में हरियाणा का पक्ष। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मांग की है कि जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा को ढाणियों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 20 घरों व 100 की आबादी की शर्त में छूट प्रदान की जाए, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में लोग ढाणियों में रह रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव जल एवं स्वच्छता कमेटी की मॉनिटरिंग का काम जिला परिषदों के अधीन करने का सुझाव भी दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक नल से हर घर में जल पहुंचाने के लिए घोषित जल जीवन मिशन तथा इसके क्रियान्वयन के 100 दिन में अभियान के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में हरियाणा की स्थिति से अवगत करवाया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को आश्वासन दिया कि हरियाणा 31 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी 6,841 आबादीय गांवों में जल जीवन मिशन के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमारे कुल 22 जिलों में से और 18 जिले तो कैटेगरी 1 में आते हैं, 3 जिले कैटेगरी 2 में आते हैं और मेवात कैटेगरी 3 में है। वहाँ पानी की सप्लाई जैसा आपने कहा बहुत, यानी एक हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। हम यमुना नदी में से ही और जो पाइपलाइन ले जा करके वहाँ देने की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और बहुत जल्दी वो सारा पूरा होने के बाद उस काम को हम शुरू करा देंगे। पानीपत जिला एक ऐसा जिला है जहाँ बहुत से गाँव यमुना के किनारे किनारे हैं, तो यमुना के किनारे जो गाँव हैं उनकी उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ व्यवस्था चलेगी नहीं, हमको आवश्यकता भी नहीं है, हमारा पानी बहुत अच्छा नदी के बेड का जो नज़दीक पानी है उसी से हम काम चलाएंगे। तो ऐसे कुछ गांव हैं जो वहां इच्छुक नहीं है कि हमारे यहाँ नल से जल देने की कोई आवश्यकता रहेगी।